पता ये चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर, ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। उनके ऊपर जिन अधिकारी ने, सीबीआई के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है, उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। उनके ऊपर इतना दबाव था कि वो मानसिक दबाव में आ गए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मनीष सिसोदिया के आरोपों पर सीबीआई ने भी अब जवाब दिया है। सिसोदिया के बयान का खंडन करते हुए सीबीआई ने आज अपनी तरफ से बयान दिया है। शराब घोटाले की जांच की जा रही है, सीबीआई ने कहा जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है। तो बड़ा बयान इस वक्त मनीष सिसोदिया ने आज सीबीआई पर कहा था कि सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसकी वजह से अधिकारी आत्महत्या करने को मजबूर हैं। और सीबीआई के जिस अधिकारी ने आत्महत्या की थी, इसे लेकर खुलासा ये हो रहा है कि दरअसल वो एसीबी से जुड़े हुए थे और इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया के आईओ नहीं थे। तो पूरे मामले को लेकर देखिए, सीबीआई ने खुद अब खुलासा कर दिया है।